अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम निखत प्रवीण है और आज मैं आप सभी को वापस से अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग ट्रेंड्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम अपने किचन में किड्स स्पेशल सैंडविचेस बनाना सीखेंगे। मैंने पहले भी सैंडविचेस की रेसिपीज़ जो है अपने चैनल में अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो उसे भी रिफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे पहले कैरामलाइज्ड सैंडविच। यहाँ पर कैरामलाइज्ड सैंडविच में ऑनियन और टमाटर की बनाऊँगी। तो चलिए पहले हम इसे कैरामलाइज करें। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें हम अपने प्याज डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सर्कल करके प्याज काटी है, आप चाहे तो इसे लंबा स्लाइस भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छे फ्राई करेंगे ऑयल में। इसमें हल्का सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और थोड़ा सा चुटकी भर चीनी डालेंगे। इससे एक अच्छा कैरामलाइज्ड इफेक्ट आता है और इसमें स्वीटनेस भी बढ़ जाती है। इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। और जैसे हमारा प्याज जो है वो अच्छा गोल्डन कलर दे दे, हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। और इसी में हम अपने टमाटर को भी कैरामलाइज कर देंगे, सेम नमक चीनी डाल के और दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारा अच्छा हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम चलेंगे अपने सैंडविच को असेंबल करने की तरफ। यहाँ पर मैंने दो स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, इस पर हम डालेंगे मेयोनीज़। यहाँ पर मैं अपना बर्गर मेयोनीज़ ले रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल प्लेन मेयोनीज़ भी ले सकते हैं। अच्छे से हम चारों तरफ इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपने कैरामलाइज्ड किए हुए टमाटर और प्याज। इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे चीज़, आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं या फिर चीज़ स्लाइस। मैं एक में मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ और एक में चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ। और इसे हम दूसरे ब्रेड से ढक देंगे। दूसरे ब्रेड के साइड में हमने डाल दिया केचप, केचप को भी हम इसमें इवनली स्प्रेड कर लेंगे और इसे हम ढक देंगे। अब एक पैन में हम थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे और इसे हम दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए हमारा पहला सैंडविच बनके तैयार है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है, इसे मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी हमारा सैंडविच बनके तैयार है। इसे किड्स बच्चों को दें, बहुत पसंद आएगी उन्हें। अब चलते दूसरे सैंडविच की तरफ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज, गार्लिक और बटर। ये हम बटर गार्लिक सैंडविच बना रहे हैं। तीखा, अगर आपको बच्चों को तीखा पसंद ना हो तो आप चिली स्किप कर सकते हैं, सिर्फ गार्लिक और बटर के साथ बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे अपने ब्रेड के स्लाइस में अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो ये मिर्ची ली है वो तीखा नहीं है, बस अच्छा टेस्ट देता है। अगर आपके पास ऐसा मिर्ची मिले तो आप इसे ट्राई करें, अदरवाइज आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। हम दो स्लाइस और ब्रेड के लेंगे, इसमें हम अपना चीज़ डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस लिया है जो मैं इसे तोड़ के डाल रही हूँ। दूसरी तरफ मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। अब हम इसे फ्राई करेंगे। जो हमारा बटर गार्लिक वाला जो साइड था वो हम नीचे पैन की तरफ रखेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे मेयोनीज़।
डिश के ऊपर हम अपना चीज स्लाइस या जो भी चीज़ है वो डाल देंगे ब्रेड से ढक के, और उसके बाद हम वापस से बटर और गार्लिक वाला जो हमने हरी मिर्च बटर गार्लिक मिला के जो मिक्सचर तैयार किया था उसे हम लगा देंगे और इसे हम दोनों साइड से कुक कर लेंगे। हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ये लीजिए हमारा दोनों सैंडविच बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चीज़ी बनके तैयार होती है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।